कैलगरी कैलगरी कैलगरी, तो पूछते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है कैलगरी का। नहीं, टोरंटो में आप गर्लफ्रेंड नहीं, आप खुद को ही घुमा रहे होगे, वो भी कहेंगे चाय पीऊँ ना पीऊँ। ऐसा क्या हिसाब किताब होता है, मतलब क्या ऐसा रूल है कि बड़ी आसानी से पीआर हो जाता है वहाँ पे? ऐसा भी है, पढ़ाई खत्म हुई, जॉब मिली ना मिली, सीधे पीआर अप्लाई और मिल भी जाएगी। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पर्सन से बात करेंगे जिनकी वीडियोज मैं कैनेडा आने से पहले देखता था। तो बेसिकली वो ओंटारियो से कैलगरी मूव हुए थे, तो हम पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो ओंटारियो से कैलगरी मूव क्यों हुए, और साथ के साथ कैलगरी मूव होना यहाँ पे रहना वर्थ है या नहीं है। और साथ के साथ अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर आप स्टूडेंट हो ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में या फिर कहीं और कैलगरी या अल्बर्टा मूव होने की सोच रहे हो, तो जॉब्स का, अकोमोडेशन का, पार्ट टाइम जॉब का और ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ कैलगरी में क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन भाई साहब से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें पता करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार ये है ऋषभ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इनको जानते ही होंगे, इनका काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। इनफैक्ट कनाडा आने से पहले मैं इनकी वीडियोस वगैरह देखता था थोड़ा अंदाज़ा लेने के लिए कि भाई कनाडा में क्या हिसाब किताब है। तो सबसे पहले आप मेरे को अपने बारे में मेरे को बताओ कि आप कब कनाडा आए, ठीक है, कहाँ आपने पढ़ाई की और फिर कैलगरी कैसे आना हुआ? श्योर। तो मैं आया था कनाडा 2017 दिसंबर में, सो हम 2018 जनवरी इंटेक ले लेते हैं। एज ए स्टूडेंट आया था मैं भी, और फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अबाउट 4 ईयर्स, ठीक है, स्टडी टाइम और फिर वर्क परमिट, और फिर जब पीआर हुई देन आई मूव्ड हियर। और उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि मैं क्यों पीआर लेने के बाद मूव हुआ, क्योंकि यूजली लोग मूव होते हैं पीआर लेने के लिए और मैं उसके बाद मूव हुआ। ठीक है, तो आपने कोर्स कौन सा किया था कनाडा के अंदर? कोर्स मेरा कंप्यूटर्स नेटवर्किंग था सेंटिनल कॉलेज से। अच्छा, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर्स वगैरह कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जॉब वगैरह मिल गई थी ओंटारियो में? हाँ जी, जॉब मिली हुई थी, मतलब ऐसा नहीं था नेटवर्किंग की जॉब थी, बट हाँ डेटा सेंटर एंड ऑल में आना जाना लगा रहा था, तो मतलब पीआर के लिए एलिजिबल जॉब थी वो। पीआर लेने के बाद इन्होंने, बंदा यही सोचता है कि भी चलो घर वगैरह लेंगे या फिर सेटल होंगे या फिर शादी शुदी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये कैलगरी मूव हो गए। तो अभी आगे चलते हैं और वहाँ इनसे बात करते हैं कि भाई कैलगरी क्यों आए, ऐसा क्या स्पेशल है कैलगरी के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत हाइप बनी हुई है कि कैलगरी कैलगरी कैलगरी। तो पूछते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है कैलगरी। कनाडा में और भी प्रोविंसेस हैं ओंटारियो के अलावा, जैसे सस्कैचवान हो गया, नोवा स्कॉशिया हो गया, न्यू ब्रंसविक है और मैनिटोबा भी है, विनिपेग में काफ़ी सारे लोग मूव होते हैं। तो कैलगरी में ऐसी स्पेशल बात क्या है या फिर अल्बर्टा में ऐसी स्पेशल बात क्या लगी आपको? हाँ जी, स्पेशल तो मतलब जैसे मैंने जब यहाँ मूव होना था मैंने पूरी लिस्ट निकाल ली, ठीक है, मतलब मैं जब कुछ करना होता है ना मैं 10 बार सोचता हूँ उससे पहले, तो मैंने पूरी लिस्ट निकाल ली कितनी प्रोविंसेज है, क्या सिटीज़ है, नॉर्दर्न टेरिटरीज क्या है, सब कुछ। तो सारा कुछ मैंने यू नो स्टेप बाय स्टेप किया भाई, ठीक है, यहाँ पे इतने टैक्स लगते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी का ये है सीन, यहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इतनी है, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री सेटअप है कौन सी नहीं है, तो मतलब वेदर कितना कितना नीचे जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, ये मतलब स्पेसिफिक्स में मैं गया। उसके बाद मुझे लगा कि अल्बर्टा मेरे लिए सही ऑप्शन होने वाला है उसके, क्योंकि जो वेदर है मुझे लगा ठीक है भाई, मैं पर्सनली ठंडे ही पसंद करता हूँ, बट आप देख सकते हो भाई अगस्त एंड चल रहा है, क्या आपको ठंड लग रही है बाहर? नहीं, मैं टी शर्ट में घूम रहा हूं, देख लो, ये भाई साहब शॉर्ट्स में घूम रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं अल्बर्टा में 6-6 महीने अंधेरे रहता है, दिन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है भरा, बल्कि दिन ज्यादा रहता है। अभी मैं बैंफ घूमने गया हुआ था, वहाँ पे रात को लाइक 10:30 बजे तक दिन था। हाँ नहीं, ये तो है, मतलब मुझे यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ बढ़िया लगा बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले। और सबसे बड़ी बात की कैलगरी इज ए मेट्रोपोलिटन सिटी, मैं किसी रूरल टाउन में नहीं चला गया कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ दुनिया से। अब आप रहते हो ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो उसके फायदे रहते हैं, आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ मिलती हैं, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते मुझे लगा कि ये सही जगह रहेगी। हाँ, और मैंने भी ऑनलाइन थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है कैलगरी के बारे में, तो मैंने ये देखा हुआ है कि भाई यहाँ पे कंपनीज सेटअप हो रही हैं, मतलब ग्रोइंग सिटी है एक तरीके से कह सकते हैं। तो यार अभी हम यहाँ पे पैदल सैर सपाटा कर रहे थे, तो हम लिविंग एक्सपेंसिस के बारे में बात कर रहे थे कैलगरी के, ठीक है, तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ कैलगरी में लिविंग एक्सपेंसिस बहुत कम है, तो मेरे को बताओ बहुत कम कितना होता है? बाकी लिविंग एक्सपेंसिस में आती है आपकी अकोमोडेशन, आपकी गाड़ी का खर्चा, किस्त होती है, इंश्योरेंस वगैरह होती है, हमारे ग्रोसरी वाला की चीज़, और जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं डेली रूटीन में, डेली तो नहीं, हफ्ते दो हफ्ते बाद जींस पैंट खरीद ली, तो उसका कितना कितना कम खर्चा है? ठीक है, तो मतलब डिफरेंस तो बहुत बड़ा सही बताऊँ तो, बट मतलब हर एक कैटेगरी में नहीं है, जैसे ग्रोसरी में नहीं आएगा डिफरेंस, वो तो काइंड ऑफ सेम ही रहेगी, बट रेंटल में डेफिनेटली आ जाएगा। जैसे वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम यू नो 1600 to 1700 डॉलर्स ए मंथ। स्टूडियो अपार्टमेंट होता है जिसमें सिर्फ एक हॉल होता है, एक किचन होती है और वॉशरूम होता है छोटा सा। हाँ जी, कोई बेडरूम नहीं है, कुछ नहीं, आप हॉल में ही जो करना हॉल में करो, सोना भी, नहाना सोना हगना सब एक ही जगह पे। तो रेंटल में बहुत बड़ा फर्क आ गया। उसके बाद आपकी इंश्योरेंसेज वगैरह यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती हैं। रेंटल बेसिकली यहाँ पे कितना प्राइस है स्टूडियो का? मतलब यहाँ पे स्टूडियो आपको मतलब 800-900 डॉलर में मिल जाएगा डाउनटाउन में, रेंट पे। हाँ जी,
और वहाँ पे अपने टोरंटो में, टोरंटो में लाइक ए सेड आप उसमें $1,000 और डालने उतने में मिल जाएगा। या किचनर में जैसे अभी मैं रिसेंटली मूव हुआ था तो हमें वन बेडरूम अपार्टमेंट रेंट पे $2,000 या फिर $1,900 के आसपास का मिल रहा था, तो इतना फर्क है। बाकी फिर जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोसरी में तो डिफरेंस रहा नहीं, बट हाँ आपके जैसे टैक्सेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फेल्ट कि वो टैक्सेस ना मतलब जो लोग थोड़ा कम रेंज में कमाते हैं उनके लिए, अगर आप अबव 50, 60, 70, 100 के कमा रहे हो तो फिर तो आपका ऐड अप उतना ही हो जाएगा जितना भी बनता है। एक ही बात पड़ती नहीं, वो जो 5% टैक्स कहते हैं कि भी यहाँ पे बड़ा कम, वो सेल परचेज वगैरह ना वो, अच्छा लेकिन इनकम इनकम पे काइंड ऑफ ब्रैकेट उतनी पड़ती है। ओके ओके ओके, लेकिन ये बात होगी ना, मान लो कि मैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल, मान लो मैं $80,000 कमा रहा हूँ लेट अस से फॉर एग्जांपल, और मेरी मेरा टैक्स 30% बनता है, हाँ जी, और 13% मैं परचेजिंग पे टैक्स देता हूँ, तो मैं टोटल टैक्स 43% दे रहा हूँ टोटल, तो यार डेफिनेटली बहुत। लेकिन यहाँ पे 5% है सेल्स वाला, तो मैं टोटल 35 दूंगा यहाँ पे। हाँ जी, नहीं ये तो है, ये डिफरेंस तो आपको क्योंकि डेली ट्रांजैक्शंस हर एक आइटम पे जब 5 versus 13 तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि मैं अभी यहाँ से बड़ी महंगी चीज खरीद के लेके जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5% है, मान लो वो $2,000 की है, तो अगर मैं वो ओंटारियो से खरीदूंगा तो वो $260 मेरे को टैक्स पड़ेगा, यहाँ से खरीदूंगा तो मेरे को कितना पड़ा, 5%, $100 पड़ा, इनकी मैथ्स बड़ी है। इंश्योरेंस का क्या हिसाब किताब है? इंश्योरेंस का यहाँ पे आपकी कमी रहेगी वहाँ के मुकाबले डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे यू नो क्या सिनेरियो, अगर आप कनाडा ऑलरेडी हो तो आपको पता होगा वहाँ पे बहुत ज्यादा यंग एज के लोग हैं, काफी एक्सीडेंट एंड ऑल वहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका आके $100-$150 तो कम हो ही जाएगा। मान लो कि टोरंटो में या फिर जीटीए रीजन में कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसकी सैलरी मंथली $3,000 है टैक्स वगैरह काट के, और सेम सैलरी उसको यहाँ मिलती है, तो टोरंटो या जीटीए रीजन में उसकी कितनी सेविंग हो जाएगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और यहाँ पे कितनी सेविंग हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से मतलब अगर आप सस्ते से सस्ता काम करना चाहते हो, जैसे वहाँ पे मोस्टली लोग करते हैं अभी शेयरिंग में रह लिया या सिर्फ एक रूम ले लिया पूरा कुछ नहीं लिया, तो अगर आपको सस्ते वाला जुगाड़ करना है तो $100,000 आप वेले सब कुछ डाल के वेले टोरंटो में, नहीं टोरंटो में नहीं यहाँ पे, टोरंटो में 3,000 डाल के वेले अच्छा। तो मतलब जो बाकी की 2,000 बचे वो आपकी जेब में, बट अगर आपको थोड़ा सा चाहिए भी पर्सनल स्पेस भी हो, महंगी गाड़ी भी हो, तब भी मतलब डिफरेंस आ जाएगा, $1,000 का डिफरेंस तब भी आएगा। तो मतलब अगर आप 2,200 खर्च रहे हो ना तो आपको अच्छा सा अपार्टमेंट या घर मिल जाएगा, आपको अच्छी सी गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, आपका जो सारा कुछ खर्चा है ना ग्रोसरी एंड ऑल जो भी तरीके के इनकम टैक्स भी तुम सब कुछ ही डाल दो जितना दिमाग में आ रही है चीजें, और सेव हो जाएगा फिर भी सेव हो जाएगा, ठीक है, और इन्वेस्ट भी हो जाएगा, इन्वेस्ट करो जो मर्जी करो आपकी जेब में सारे पैसे, ठीक है, चाहे गर्लफ्रेंड को घुमाओ जो मर्जी भाई, जो मर्जी आप जिसको मर्जी 2, 3, 4 गर्लफ्रेंड को घुमाए सब कुछ है, ठीक है, लेकिन टोरंटो में ऐसा नहीं होगा। नहीं टोरंटो में आप गर्लफ्रेंड नहीं, आप खुद को ही घुमा रहे होगे, वो भी कहेंगे चाय पीऊं ना पीऊं ये वो, तो एक्सपेंस भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, मैंने 4 साल रह के देखा है भाई, बंदे की ना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है कि क्या ही है भाई। आप एक चीज तो सुनी लोगे ना मतलब यहाँ पे तो शायद लोग ना बोले, वहाँ पे राह चलते पूछ लो भाई पैसे कितने बचाते हो, कहेगा भाई नहीं बचते, हर एक इंसान कहेगा जी। यहाँ पे पंजाब कहते हैं कि भाई आई चलाई है, बस आते हैं जाते हैं भाई, देखते हैं, देखते भी नंबर ही देखते हैं फोन में, पैसा हाथ में छूने को भी कहाँ मिलता है। तो बेसिकली जब किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपनी होम कंट्री से कनाडा आना होता है तो सबसे मेजर कंसर्न जो होता है वो होता है अकोमोडेशन, की मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या सिस्टम रहेगा, मेरी भी यही टेंशन थी, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट कैलगरी आ रहा है तो ये बताओ कि अकोमोडेशन का यहाँ क्या सिस्टम है? तो अकोमोडेशन यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी इजी है, तो मतलब अपने ब्रैम्पटन या कह लूँ मैं जीटीए में तो यही होता है ना कि कोई आता है तो उसे टाइम बहुत लगता है जगह ढूंढने में, एक दूसरे को मैसेज करते हैं भाई स्टोरी डाल दो, भाई ये कर दो, रिश्तेदारों को कॉल लगता है, यहाँ पे ऐसा नहीं, आप ऑनलाइन जाओ आपको अभी भी बहुत सारे रेंटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे आपको रूम चाहिए, बेडरूम चाहिए, मतलब बेडरूम तो चलो रूम ही हो गया, मतलब आपको पूरे पूरा घर चाहिए या फिर आपको अपार्टमेंट चाहिए, आपको बेसमेंट चाहिए, आपको रेंटल्स यहाँ पे खूब भर भर के मिलेंगे, किसी को ना मैसेज करना पड़ेगा, किसी को मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरे को दिलवा दो, अपने आप मिल जाएंगे आपको। तो जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस पे चले गए, जीजी पे चले गए तो सब मिल जाता है, मिल जाता है, सब मिल जाता है, ठीक है। दूसरी जो मेजर कंसर्न होती है वो होती है पार्ट टाइम जॉब, मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी पार्ट टाइम जॉब की, भाई पैसे आना शुरू हो जाए, फीस भर लें, तो उसका क्या हिसाब किताब है कैलगरी के अंदर? तो पार्ट टाइम जॉब मतलब मिल जाएगी आपको, डेफिनेटली मिल जाएगी, बट हाँ इतनी वैरायटी की पार्ट टाइम जॉब नहीं है वो, उसके पीछे भी रीजन बता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि भाई यहाँ पे किस तरीके की पार्ट टाइम जॉब, इतनी वैरायटी की नहीं मिलती आपको, मतलब जैसे हाँ ठीक है सबवे यहाँ पे भी है, गैस स्टेशन यहाँ पे भी है, मैकडॉनल्ड्स के मॉडर्न सब कुछ है, सिक्योरिटी कंपनीज भी हैं, लेकिन ऐसा बल्क में नहीं जॉब्स मिल रही, इट माइट टेक सम टाइम, फ्यू वीक्स आपको लग जाएंगे बट जॉब मिल जाएगी। जैसे अपने जीटीए रीजन की बात करें उसको रेफरेंस लेके चलते हैं, तो वहाँ पे वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं, फैक्ट्रीज बड़ी तगड़ी तगड़ी हैं, तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे काम कर रहे होते हैं फोकलिफ्ट ऑपरेटर या फिर पैकिंग वगैरह में, तो यहाँ पे आए सब? नहीं यहाँ पे मैंने तो भाई कोई बियर फैक्ट्री नहीं देखी, मैं भी जिंदगी में एक बार चला गया था भाई, मेरे कानों पे हाथ लग गए कि यहाँ दोबारा नहीं आता, काम नहीं करना, नहीं वो काम है नहीं, तो मतलब वहाँ पे मतलब मजबूरी में लोग जाते हैं, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है मजबूरी में जाने वाला, वेयर हाउस वगैरह यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे 20 घंटे मिल जाते हैं? अब 20 घंटे तो मिल जाते हैं, सोफर में जितने स्टूडेंट से मिला हूँ, तो जॉब्स तो सारे कर रहे हैं, जॉब्स है वैरायटी की, बट वैसे ही नहीं है बेसिकली। यार मेहनत करोगे ना तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है। आप घर से बाहर निकलोगे, रिज्यूमे वगैरह ड्रॉप करोगे, अलग अलग स्टोर्स में जाके ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो मिल जाएगी। प्रॉपर टैक्टिक्स होने चाहिए कि भाई किस तरीके से अप्लाई करनी है। घर पे बैठे रहोगे कि हाँ भाई ऑनलाइन अप्लाई कर दूं और जॉब मिल जाए, या फिर किसी हम जैसे बंदे को मैसेज कर दिया कि भैया जॉब दिला दो, यार ऐसे नहीं मिलती जॉब, बाहर निकलना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी और मेहनत करोगे गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। और एक दूसरी चीज है कि भाई अल्बर्टा जो है ना एक चीज के लिए बदनाम है। अच्छा क्या है वो पूछो भाई, मेरे को लगता है वेदर हो सकता है वो। बिल्कुल सही। वेदर के लिए अल्बर्टा थोड़ा सा बदनाम है। अब ये बताओ कि भाई मिथ है, एक्चुअल में वेदर खराब है, पर्टिकुलरली कैलगरी की बात कर रहे हैं क्योंकि कैलगरी की पे डिस्कशन चल रहा है, तो क्या हिसाब किताब है, क्या सौदा है यहाँ पे? तो मेरे हिसाब से तो भाई मतलब मोस्टली मिथ ही होती हैं, आप जितनी भी चीज़ें सुनोगे मिथ ही होती है, जब तक आप खुद ना एक्सपीरियंस कर लो। बट ग्राउंड रियलिटी ये बताता हूँ कि जैसे कि हम इस टाइम खड़े हैं, ठीक है, अगस्त एंड में मौसम बढ़िया है, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, और अगर आप मेरी वीडियो कभी देखो मैं पूरा साल टी शर्ट में ही होता हूँ। आप मेरी फोटोज भी देखोगे, बर्फ में भी मैं टी शर्ट में ही हूँ। तो कुछ हद तक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट वैसे वेदर ऐसा कुछ खराब नहीं है। मोस्ट सनी डेज अगर कनाडा में कहीं होते हैं तो वो कैलगरी है, कैलगरी में होता है। और ये जो चीजें होती है ना -30 -40, ये एक पीक टाइम पे होता है, लाइक जनवरी में हो गया, दो हफ्ते के लिए, तीन हफ्ते के लिए। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू सब दो हफ्ते या बाहर ही नहीं निकल सकते, वो एक्सट्रीम डेज कुछ ही आते हैं, हर एक प्रोविंस में आते हैं ऐसे, बट कुछ ही दिन होते हैं। मैं भी थंडर पे में रहा था, वहाँ पे -50 होता था फील्स लाइक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैकेट डाल के निकल के पार्ट टाइम जॉब पे या कॉलेज अपने, तो हिसाब किताब होता है। बाकी मेरे को बताओ अगर टोरंटो में -20 हो रहा है, ठीक है, या -30 हो रहा है, तो आप ये तो नहीं है नहीं कि भाई यहाँ जैकेट डालोगे वहाँ जैकेट नहीं डालोगे, वो -20 है, दोनों सेम ही रहेगा ना? नहीं, ये तो मतलब वही है, मतलब वेदर के आप अगर आप कनाडा में आ ही गए हो इंडिया छोड़ के, तो यहाँ पे आपको ठंडा मौसम लगेगा ना कंपैरेटिव, तो अब कनाडा में आ गए हो तो भाई मेरे हिसाब से तो थोड़े दिन तो आपको एक्सट्रीम ठंड एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए, उसके बाद आदत हो जाएगी। हाँ, उसके बाद तो आप डेली लाइफ वही आपकी। और यार लास्ट जो कंसर्न आता है स्टूडेंट्स का, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, अपने घर से कॉलेज या फिर कॉलेज से पार्ट टाइम जॉब या फिर घर से पार्ट टाइम जॉब कैसे जाएंगे? हाँ। तो ये बताओ कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़िया भाई, सो फार जो मैंने देखा, वैसे मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, गाड़ी भी है, तो मैं ऐसा नहीं आपको कह रहा कि भाई मतलब मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, बट जो मैंने देखा है भाई जगह जगह पे यहाँ ट्रेन चलती है, ठीक है, जैसे अपने टोरंटो में चलती है ट्रेन चलती है, स्ट्रीट कार एंड ऑल जो भी आप कह लो, उसके बाद बस स्टॉप्स भी जगह जगह पे हैं, पूरा सिटी वेल कनेक्टेड है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बाहर ट्रेन बस स्टॉप सब कुछ है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार बड़ी देर से हम खड़े हुए थे, तो थोड़ा थक गया, मेरा हाथ भी दर्द होने लग गया, तो बैठ गया आराम से। अब मेरे को ये बताओ कि कोई ऐसी चीज़ जो GTA में थी और यहाँ पे आप मिस करते हो, आपको लगता है कि काश वो चीज़ यहाँ पे होती ना तो सारा सिस्टम सेट हो जाता, फिर तो GTA जाने का नाम ही नहीं लेना। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, वैसे दिल से सोचूँ तो भाई खाना GTA में, खाने भर भर के इंडियन रेस्टोरेंट है आपको, मतलब इंडियन में छोड़ो हर एक कंट्री के जो भी आपको मिलते हैं ना फूड, सारा कल्चर वहाँ पे है, तो वो चीज़ तो यहाँ पे मतलब अभी के लिए नहीं है इतनी, है बट इतना नहीं है जितना वहाँ है। और अगर दिमाग से सोच के बताऊँ तो फिर मैं कहूँगा कि जैसे ना कैलगरी में क्या कि अब कैलगरी सिटी आ गई, उसके आसपास आपने नाम सुना कोई और सिटी का नहीं जो एडजेसेंट है, चिपकी हो, बिल्कुल साथ साथ में हो, जैसे हम GTA रीजन कहते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा। तो यहाँ पे सिर्फ कैलगरी है, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, किसी चीज़ की सर्विस करानी है, किसी दुकान शोरूम कहीं जाना है, तो कैलगरी के अंदर ही जो है वो है, आसपास तो कोई और सिटी आती नहीं है। जैसे GTA में होता है ब्रैम्पटन से मिसागा चले गए, मिसागा से वॉन चले गए, स्कारबरो हो गया, टोरंटो डाउनटाउन हो गया, नॉर्थ यॉर्क हो गया, पता नहीं क्या कुछ है। हाँ, वहाँ पे आपका ऑप्शन बहुत आ जाता है, भाई सारी सिटीज मतलब आसपास हैं, बड़ी बड़ी सारी बड़ी सिटीज हैं, तो यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाओ आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही सिटी है, जितने ऑप्शन है भाई वहाँ पे जाके जो है यही है, इसी में से खाना है, इसी में से सब कुछ है। हाँ, इसके बाहर कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाहर नहीं, नहीं तो फिर 300 किलोमीटर दूर एडमंटन जाओ। एडमंटन जाओ। हाँ, ये तो भाई अब वो तो जाने दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हेलस्ट्रॉम बड़े ज्यादा होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो इंडिया बैठ के यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ कनाडा में, प्रोविंस सेलेक्ट कर रहा है, तो उसे डायरेक्ट कैलगरी आना चाहिए, जैसे हम इतनी तारीफ कर रहे हैं कैलगरी की, तो उसे डायरेक्ट कैलगरी आ जाना चाहिए, या फिर ओंटारियो में पढ़ाई की, वहाँ पे सारी अपनी PR वगैरह ली और फिर कैलगरी आना चाहिए, क्योंकि ओंटारियो में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेजेस बड़े हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बो वैली कॉलेज है। हाँ, तो आप बताओ थोड़ा। या तो मतलब मैं आपको कहूँगा डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंसेस, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें आते अगले दिन ही जॉब चाहिए, घर पे पैसे भेजना है, लोन रीपे करना है, तो उनको वहाँ पे एक नहीं तो कोई ना कोई मतलब जॉब, पिज्जा स्टोर होगा, गैस स्टेशन होगा, फैक्ट्री होगी, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आके अगर आपको कुछ हफ्ते लग गए और अगर आप कह रहे हो कि भाई मतलब है ना फाइनेंसिस की तरफ से थोड़ी तंगी है तो आप एडजस्ट ना कर पाओ, तो वो चीज़ सोचने वाली है। अगर आपका ब्रेक नहीं होने वाला तो शायद टोरंटो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ब्रेक भी नहीं है और सिर्फ 20 आवर्स काम कर रहे हो और फिर थोड़ा टाइम लग सकता है जॉब लगने में, तो शायद फीस आप थोड़ा प्रॉब्लम आ सके।
तो उस केस में टोरंटो जाओ, वरना बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक पॉइंट एंड करना चाहूँगा कि भाई अगर आप ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो तो मेरा ओपिनियन यही है कि भाई सीधा कैलगरी आओ, अल्बर्टा में आओ, क्योंकि पीआर की आपको टेंशन नहीं होगी, है ना, क्योंकि ट्वेल्थ वालों को बड़ी टेंशन है यार आजकल कि पीआर नहीं हो रही है ना। नहीं हाँ, मतलब तो आप फिगर आउट कर लो आपके फाइनेंसिस एंड ऑल, आपके क्या सीन है सारा, हर एक फैमिली हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, बट हाँ अगर आपको पीआर की टेंशन नहीं लेनी, मतलब अगर आपको बेसिकली स्मूथ लाइफ चाहिए ना, स्टेबल और आगे जाके आपको एक ही जगह पे सेटल होना, इधर उधर नहीं घूमना, तो डायरेक्ट कैलगरी आ जाओ, फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने जॉब ना मिली, बंदा लॉन्ग टर्म देख लेता है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें इन्होंने बोला था कि भाई जितने का यहाँ पे घर मिलता है, पूरे घर का जो प्राइस होता है, उतनी वहाँ पे डाउन पेमेंट होती है सिर्फ। हाँ नहीं वही, मतलब टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे इतने साल रह लिए, ठीक है, जॉब्स चेंज कर ली, ये कर लिया, बट मैं एक्चुअली मैं कभी ऐसा प्लान नहीं कर सकता था कि भाई मैं कभी घर खरीदूंगा, वो तो पॉसिबल सोच भी नहीं सकते थे, मैं सोच नहीं सकता था, वो जितने से रेंज शुरू होती ना मैं कभी अप्रूव ही नहीं होता उसके लिए। तो यहाँ पे वो मतलब ऐसे आगे की जर्नी आप फैमिली मतलब यू नो सारा कुछ आप सेटल डाउन हो सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे पीआर बड़ी इजी है, पीआर बड़ी इजी आराम से हो जाएगी, ऐसा क्या हिसाब किताब होता है, मतलब क्या ऐसा रूल है कि बड़ी आसानी से पीआर हो जाती है? तो भाई वैसे तो मतलब यहाँ पे मतलब पीएनपी प्रोग्राम्स वगैरह है ना जो यहाँ पे, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को एलिजिबल कर देते हैं, मतलब उनमें इतनी कोई खासी रिक्वायरमेंट नहीं है कि यही स्पेसिफिक कैटेगरी चाहिए, यही स्पेसिफिक इंडस्ट्री या प्रोफेशन चाहिए। ओंटारियो में ये होता है कि अगर आप ये जॉब करते और ये नहीं करते, मतलब आप हो सकता है आईटी में हो सकता है आप लोग एक ही ऑफिस में दो लोग एक साथ दोस्त काम कर रहे हो, एक की पीएनपी लगेगी ओंटारियो में, एक की नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है कि कौन है एलिजिबल और कौन नहीं। बट यहाँ पे काफ़ी खुला काम चल रहा है उसके, तो पढ़ाई कंप्लीट करो, कोई जॉब करो, उसके बाद पीएनपी मिल जाएगी, और पीएनपी मिल गई तो पीआर तो हो ही जाएगी। और अगर आप कैलगरी मेट्रोपॉलिटन में नहीं जाते, थोड़ा सा रूरल एरिया में चले जाते, तो वहाँ पे ऐसा भी है पढ़ाई खत्म हुई जॉब मिली ना मिली सीधे पीआर अप्लाई और मिल भी जाएगी। हाँ आप यहाँ पीएनपी प्रोग्राम चेक करो, बहुत तरीके के हैं। मैं एक रेड डियर नाम की जगह यहाँ यहाँ पे हाँ, एक हिंटन नाम का छोटा सा टाउन है, वहाँ पे बड़े सारे अपने लाइक स्टूडेंट्स वगैरह काम कर रहे थे, तो यही रीजन हो सकता है, इसीलिए तो भाई देख लो सीधा पढ़ाई की और पीआर, उनका मतलब जिंदगी भर के लिए टीआर टू पीआर चल रहा है भाई। तो यार मेरे को फाइनल एक समरी करके बताओ कि भाई किसी को कैलगरी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है, मतलब वैनकूवर टोरंटो मॉन्ट्रियल, ठीक है, सब आप लोगों ने सुने हुए हैं नाम, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, उसकी वजह से फिर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, पीआर की बात हो या फिर जॉब की बात हो या फिर आगे जाके घर खरीदने की, हर एक चीज़ की कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कॉस्ट बेसिकली एक्सपेंस बढ़ जाता है और कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए आपको कैलगरी आना चाहिए, क्योंकि है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन इसका खर्चा हो गया या फिर क्राउड हो गया या फिर जो हो गया वो सब एक छोटे टाउन जैसा ही है, तो आपको ऑफर ज़्यादा कुछ करता है बेसिकली। अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बोलूँ, आपके डॉलर की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी, पर डॉलर आपको जो मिलेगी ना चीज़ें आप जो खरीदोगे या जहाँ पे स्पेंड करोगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। यार ये था सारा हिसाब किताब कैलगरी का, तो अगर आप कैलगरी आने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे अपनी होम कंट्री से या फिर ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया कहीं से भी, अगर आप कैलगरी मूव होने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आई होप ये वीडियो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगी, एंड थैंक्स टू ऋषभ कि उन्होंने थोड़ा टाइम निकाला वीकडे पे और ये वीडियो शूट की, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कनाडा आने से पहले मैं इनकी वीडियोस वगैरह देखता था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।